Hello my dear friend, I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन को. तो सेम इसमें डिस्कस करेंगे और जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे और वोकैबुलरी वर्ड्स को सीखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू. अनएंडिंग ट्रेजडी मतलब जो एंड नहीं हो रही है. अनएंडिंग ट्रेजडी, ट्रेजडी मतलब एक बहुत बुरी दुखद घटना. तो बिना एंडिंग होने वाली दुखद घटना कैसे हुआ है. यूएसए में एक बंदे ने, स्कूल के स्टूडेंट ने बहुत बंदों को मार दिया है. तो उसी के ऊपर ये है कि वहाँ पे जो असॉल्ट आर्म्स हैं वो बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए उसके बारे में है. द यूएस मस्ट इम्पोज, यूएस को मतलब मस्ट का क्या मतलब होता है, कंपल्सरी मॉडल वर्ब है. यू आर मस्ट इम्पोज ए बैन ऑन असॉल्ट वेपन्स, जो अटैक करने, असॉल्ट क्या होता है, अटैक करने वाले वेपन्स. एक्सपेंड करना, बढ़ाना चेक्स फॉर गन ओनरशिप, जो चेक्स हैं उसके लिए, गन को रखने के लिए उसको चेक्स को बढ़ाना चाहिए. राइटर बोल रहा है द यू एस अगेन फेस द ग्रीम कंसिक्वेंसेस. यू एस ने दोबारा से फेस्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये है पास सिंपल पास टेंस है. तो US ने दोबारा से फेस किए हैं, क्या किए हैं, द ग्रीम कंसिक्वेंसेस, जो ग्रीम होता है कड़ा, बिल्कुल कड़े, बहुत बुरे परिणाम, कंसिक्वेंसेस परिणाम ऑफ इट्स अनविलिंगनेस, जो उसकी अनिच्छा है टू टैकल गन वायलेंस एट इट्स सोर्स, जो गन वायलेंस को रोकने का एट इट्स उसके सोर्स पे, स्रोत पे. व्हेन ए मैन सो डेड, एक आदमी ने सो डेड, सो डेड मतलब गोली मार ली, सो डेड एटलीस्ट 19 चिल्ड्रन एंड टू अडल्ट्स, 19 बच्चों को और दो अडल्ट को, इंक्लूडिंग ए टीचर एट एन एलिमेंट्री स्कूल इन उलाट. तो ये वहाँ की जगह का नाम है टेक्सास, वहाँ पे सिटी है, स्टेट है, तो उसकी जगह है उलाट. तो उलाट में उसने 19 बच्चों को, दो टीचर को मार दिया. द शूटिंग मार्क्स, जो ये शूटिंग हुई है, मार्क्स क्या दिखाती है, मार्क्स जैसे मैं अब निशान लगा रहा हूँ तो इसको क्या दिखाती है. द शूटिंग मार्क्स द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा सच अटैक इन US सिंस द मेजोरी, मेजोरी सिंस कब से, सिंस का मतलब होता है जब से मेजोरी स्टोनमैन डू गर्ल्स हाई स्कूल अटैक इन 2018, मतलब 2018 से उसके बाद यही एक मेजर अटैक हुआ है. व्हेन ए फॉर्मर स्टूडेंट, इसमें क्या 2018 में क्या हुआ था, जो फॉर्मर स्टूडेंट, जो वहाँ के पहले के स्टूडेंट थे स्कूल के, ऑफ द स्कूल इन पार्कलैंड फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट है वहाँ पे, ओपन्ड फायर, इसने ओपन फायर मतलब गोलियां छोड़ दी थी, किलिंग 17 पीपल एंड वाउंडिंग 17 अदर, 17 को मार दिया था, 17 को इंजर्ड कर दिया था. ए सिमिलर मेजर शूटिंग दैट लेड टू आउटरेज, आउटरेज होता है मतलब आदमी में रोष फैल जाना. एक सिमिलर जो शूटिंग हुई है जिसने दैट लेड टू आउटरेज, येट सो नो परमानेंट रिफॉर्म इन गन्स लॉ अकर्ड एट सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल इन न्यू टाउन. तो सेम केस हुआ जहाँ पे आउटरेज दिखा, यट सानो कोई परमानेंट रिफॉर्म सुधार नहीं हुआ है गन ला में, अकर्ड एट सैंडीज हुक जो एलिमेंट्री स्कूल है न्यू टाउन में हुआ था, एंड कनेक्टिकट इन 2012 में इंसिडेंट हुआ था सिमिलर ऐसे ही, बट तब से भी कोई स्ट्रिक्ट और सीवियर मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं गन लाज में. इन विच 21st ग्रेड एंड 6 स्कूल्स एम्प्लॉयज पेरिस्ट, तो इसमें 2012 में क्या था, 20 जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे थे एंड सिक्स जो है स्कूल एम्प्लॉय, स्कूल के जो एम्प्लॉय थे, कारीगर मतलब वो कर्मचारी थे, पेरिस नष्ट हो गए थे, पेरिस होना नष्ट हो जाना. द उलाद ट्रेजडी हैज़ आल्सो सेकन द नेशन, तो जो उलाद की ट्रेजडी है, दुखद घटना है, उसने भी सेक कर दिया, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने सेक कर दिया द नेशन, देश को, फॉर इट्स कम्स स्केयर्सली 10 डेज आफ्टर ए शूटिंग एट ए सुपर मार्केट स्टोर इन बफेलो न्यूयॉर्क. तो जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, इट कम्स स्केर्सली हार्डली मतलब मुश्किल से 10 दिन बाद आ गई, जब इससे पहले 10 दिन पहले भी क्या हुआ था, एक सुपर मार्केट स्टोर बफेलो न्यूयॉर्क जगह है वहाँ पर भी हुआ था, विच ऑफिशियल डिस्क्राइब्ड एज ए रेसिस्ट क्राइम, हेट क्राइम, मतलब उसको ये जो रंग भेद नीति के आधार पर वो हेट क्राइम था, क्लेमिंग 10 लाइव्स मतलब 10 आदमी मर चुके थे. उससे हार्डली 10 दिन बाद ये इवेंट हो गया. ओवरऑल देयर हैव बीन मतलब
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब चले आ रहे हैं, एटलीस्ट 20 स्कूल शूटिंग्स इन 2020 अलोन। 2022 में 26 स्कूल शूटिंग्स हो गई स्कूल में, एंड एटलीस्ट 118 इंसिडेंट सिंस 2018, मतलब 118 इंसिडेंट हो गए 2018 से, तो 26 2022 में अकेले में हो गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दैट हैव ट्रैक्ड दी स्टैटिस्टिक ओवर द पास 4 ईयर्स, जो स्टैटिक्स को डाटा को देख रही है पिछले 4 साल से ऐसे इवेंट हो गए हैं। लास्ट ईयर विटनेस 34 स्कूल शूटिंग्स, पिछले साल 34 स्कूल शूटिंग्स हुई एंड द हाईएस्ट नंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड। देर वार 24 इंसिडेंट्स ईच इन 2019, 2018 एंड 10 इन 2022 20। तो 24 इंसिडेंट 2019 में हो गए एंड 18 में हो गए और 10 क्या है 2020 में हो गए। एड्रेसिंग द नेशन आफ्टर वालेज अटैक, तो एड्रेस करना भाषण देना, जब भाषण दे रहे थे क्या है, एड्रेसिंग द नेशन आफ्टर उलाज अटैक, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन मेड एन अन अर्जेंट प्ली, अर्जेंट मतलब बिल्कुल तुरंत क्या है प्रार्थना, फॉर द कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म, जो किसके लिए, जो गन कंट्रोल रिफॉर्म्स के लिए सुधार के लिए अपील की, सेइंग क्या कहते हुए कहा, जैसे कोट अन कोट है ये, तो उसने डायरेक्ट जो उसके वर्ड हैं ऐसे लिखे हुए, व्हेन इन गॉड्स नेम, जब भगवान के नाम पर वी आर गोइंग टू स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब खड़े होते हैं, टू गन लोबी, तो भगवान के नाम पर हम गन लोबी में खड़े होते हैं, क्वेश्चन मार्क, उसने क्वेश्चन पूछा, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ इससे, वी हैव टू एक्ट, हमें एक्ट करना चाहिए, दीज काइंड ऑफ मास शूटिंग्स रेयरली हैपन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, तो उसने कहा कि भाई ऐसी तरह के जो इवेंट हैं इंसिडेंट हैं बहुत ही कम होते हैं, रेयरली बहुत कम होते हैं दूसरे देशों में वर्ल्ड में, इट्स टाइम टू टर्न, ये टाइम आ गया है कि टर्न दिस पेन इन टू एक्शन, इस पेन को एक्शन में लेने के लिए, येट इट वुड बी अनरियलिस्टिक, मतलब फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, इट वुड बी अनरियलिस्टिक, बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा टू होप फॉर मीनिंगफुल चेंज इन द US व्यू ऑन द सेकेंड अमेंडमेंट, तो ये बोल रहे हैं कि जो बहुत अनरियलिस्टिक होगा, रियल नहीं होगा सोचना कि मीनिंगफुल चेंज हो जाएगा US के जो अमेरिका का व्यू है ऑन सेकेंड अमेंडमेंट, विच अश्योर का अश्योर करता है, जो पक्की करता है सिटीजन ऑफ द राइट टू बियर आर्म, बियर आर्म मतलब आर्म रखने के लिए, जो अमेंडमेंट दो है वो रखता है कि भाई आर्म रख सकते हैं। सेवरल प्रेजिडेंट, बहुत सारे राष्ट्रपति, मोस्टली डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी है, जो ओबामा जी की पार्टी थी वही इसमें जो बाइडन भी है, और जो ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। सेवरल प्रेजिडेंट मोस्टली डेमोक्रेट्स हैव ट्राइड, ये मतलब कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं एंड फेल टू गेट इवन बेसिक गन कंट्रोल लॉज, और फेल हो चुके हैं बेसिक गन लॉज को पास करने के लिए, पास थ्रू दी कांग्रेस, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। फॉर्मर प्रेजिडेंट बराक ओबामा फॉर एग्जाम्पल केम अवे फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर कैपिटल हिल रिजेक्टेड नो फ्यूअर देन 17 अटेम्प्ट बाई हिज वाइट हाउस टू ब्रिंग कॉमन सेंस गन कंट्रोल टू द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस, मतलब ये बोल रहे हैं कि पहले का एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर्मर प्रेजिडेंट बराक ओबामा के बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैन केम अवे फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वो झेल गए आए कि कब कैपिटल हिल वहाँ पे जगह है रिजेक्टेड, कैपिटल हिल जो है रिजेक्टेड कर दिया उन्होंने, नो फ्यूअर लेस देन 17 अटैम्प्ट किए उन्होंने बाय द वाइट हाउस टू ब्रिंग कॉमन सेंस गन कंट्रोल ऑन द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस, वाइल कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स, जो कंजर्वेटिव लॉ मेकर हैं मतलब रूढ़ीवादी जो लॉ मेकर हैं, सीक टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय फियर्सली डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बियर आर्म, जबकि जो कंजर्वेटिव है जैसे मान लो रिपब्लिकन है, वाइल कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स जो कानून बनाने वाले हैं सिख, उनकी मांग क्या है, टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करना है मतलब अच्छा अपनी वोट खींचने के लिए, बाई इट इज़ ए कॉमन नॉलेज, बाई फियर्सली डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो वो बहुत कड़ी फियर्सली होता है बिल्कुल कड़े कठोर रूप से डिफेंड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संविधान का राइट टू बियर आर्म्स, आर्म रखने का, इट इज़ कॉमन नॉलेज है, एक कॉमन बात है या कॉमन नॉलेज है नाउ दैट द हार्ट ऑफ द US कांग्रेस रिफ्यूजल टू स्टैम्प आउट गन वायलेंस इन द स्कूल एंड अदर पब्लिक स्पेसेस इज सेड डूइंग लॉबिंग ऑन द कैपिटल हिल बाय द डीप पॉकेटिंग एंड वेल नेटवर्क्ड नेशनल राइफल एसोसिएशन, बहुत लंबा सेंटेंस है, इसका मतलब क्या, देखो इट इज़ कॉमन नॉलेज है, आम बात है, कॉमन ज्ञान की बात है, नाउ दैट द हार्ट ऑफ द US कांग्रेस रिफ्यूजल,
जो दिल है यूएस कांग्रेस के रिफ्यूजल का टू स्टैम्प आउट, स्टैम्प आउट होता है खदेड़ देना या निकाल देना, स्टैम्प आउट गन वायलेंस, गन वायलेंस को निकालने का जो दिल है इन स्कूल्स, स्कूल्स में एनी अदर पब्लिक प्लेसेस इज शैडोइंग, शैडो मतलब धुंधला, शैडो मतलब शैडोइंग, लोबिंग, लोबिंग होता है सपोर्ट करना, तो धुंधला दिखाई दे रहा ऑन कैपिटल हिल, कैपिटल हिल पे बाई द डीप पॉकेटिंग, जिसकी डीप पॉकेटिंग मतलब जिसकी पास ज़्यादा पैसा है, एंड वेल नेटवर्क, वेल उनका नेटवर्क भी अच्छा फैला हुआ है, नेशनल राइफल एसोसिएशन जो है, एंड अलोंग विद देम द एंटायर गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इफ़ मिस्टर बाइडन जेन्युइनली विशेस टू क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन होता है बिल्कुल उन पर रोकथाम लगाना, क्लैंप डाउन ऑन दिस वायलेंस विच हैज़ रिप्ड इन टू अमेरिका शोल फॉर सेवरल जनरेशन नाउ, तो जो विच हैज़ रिप्ड इन टू अमेरिका, रिप्ड का क्या मतलब होता है कि गढ़ा हुआ है अमेरिका की आत्मा में फॉर सेवरल जनरेशन नाउ, ही मे हैव नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू अलाउ, बट टू फॉलो इन मिस्टर ओबामा स्टेप्स, उसके पास कोई चॉइस नहीं जो बाइडन के पास, बस ओबामा के स्टेप्स फॉलो करें एंड यूज़ हिज प्रेजिडेंशियल पावर टू ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे प्रेजिडेंट क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, तो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का एक्शन का इन्फोर्स गन कंट्रोल मेजर्स, अपनी जो पावर का यूज करे उसको, मान लो अध्यादेश ला के वो उसको रोक सकता है, दिस शुड एट ए मिनिमम एंड इंक्लूड एन असॉल्ट वेपन बैन, तो दिस शुड ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए एट ए मिनिमम एंड इंक्लूड एन असॉल्ट वेपन्स बैन, एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक्स फॉर गन ओनरशिप, तो बैकग्राउंड भी चेक किया जाए जिसको गन मिल रही है उसका, एंड बूस्ट करना चाहिए फंडिंग इन फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसी रेगुलेटिंग गन प्रोहिबिशन, और बूस्ट करना चाहिए फंड फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो मान लो नियम लागू करने वाली, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया में, तो वैसे ही वहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उन पे फंड देना चाहिए, गन के प्रोलिफरेशन को रोकना चाहिए। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आएगा, और आपको कमेंट सेक्शन में भी डालना है कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग, मतलब आदमी वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हथियार रखते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे नहीं 19 बच्चों को मार दिया, दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग, आप बताना। और लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी वर्ड्स, जो फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है बिल्कुल बहुत गंभीर, अप्रफुल्लित, वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग, द न्यूज़ इन ग्रिम, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, न्यूज़ इज ग्रिम, न्यूज़ बहुत गंभीर है। नेक्स्ट है आउटरेज, आउटरेज मतलब बिल्कुल बहुत सारा रोष और दुर्व्यवस्था की वजह से, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं इसलिए बंदों में रोष है, इट इज़ एन आउटरेज दैट सच पॉवर्टी शुड एग्जिस्ट इन द 21st century, 21वीं सेंचुरी में भी अगर गरीबी रह रही है तो ये आउटरेज है, रोज की बात है, ए फीलिंग ऑफ आउटरेज। स्टैम्प आउट, स्टैम्प आउट होता है मतलब बाहर निकाल देना, सरपास और पुट एन एंड ऑफ समथिंग बाई टेकिंग डिसाइसिव एक्शन, अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टैम्प आउट करप्शन, पुट एन एंड टू, या इसके लिए फायर एक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ही स्टैम्प्ड आउट द फ्लेम्स, ही स्टैम्प्ड आउट द फ्लेम बिफोर दे कुड ग्रो, मतलब उससे पहले कि वो ग्रो हो जाती। क्लैंप डाउन, रोकथाम लगाना, ए क्लैंप डाउन ऑन टैक्स इवेजन, कड़ी कार्रवाई करना। प्रोलिफरेशन होता है बढ़ाना, वृद्धि होना। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, थाउजेंड्स पेरिश इन द वॉर, मर गए, नष्ट हो गए। सेडोई मतलब जो छाया बहुल, ए सेडो फॉरेस्ट, सेडोई फॉरेस्ट, या ए सेडोई फिगर वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, एक धुंधली सी पिक्चर मेरी तरफ आ रही थी रात में। रिप, रिप का मतलब होता है कि चीर देना किसी चीज़ को तेजी से और अचानक से। ही रिप द लेटर इन टू टू हाफ एंड थ्रू इट इन द बिन, मतलब उसने जो लेटर को फाड़ दिया बीच से, रिप मतलब होता है उसका, या जिसे तेजी से जोर लगाकर खींचना, वस्तु को हटाना। ही रिप द पोस्टर फ्रॉम द वॉल, फाड़ दिया। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और डेली बने रहिए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच, बाय।